मंच पे बैठे हुए मेरे साथियों और हमारे बाबा संत आसाराम के मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले मेरे भाई और बहनों, देखो मैंने केस उठाने का फैसला किया है। मगर वकील के पेशे में मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेवारी, मैं देश का न्यायाधीश नहीं हूं, मैं वकालत करता हूं। मेरा यह फर्ज है मुझे अदालत के सामने तकरीर करना, दलील पेश करना और सारी दुनिया को और न्यायाधीशों को साबित करके दिखाना कि जो वो केस उनके ऊपर किया गया है ये झूठा केस। मगर ये संकट का समय है, कुछ तकलीफ जरूर होगी। आज भी वो मेरे ऑफिस में बैठे हैं, मैं दो मिनट सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए यहां आया हूं और आपको विश्वासन देने के लिए आया हूं कि आप ये यकीन रखो कि जो मेरे आखिरी जिंदगी का सांस है वो मैं भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मगर जो भी मेरे से हो सकेगा, मेरी भी 90 बरस की उम्र है और 6 दिन के अंदर मैं 91 बरस में जा रहा हूं, तो मुझे आपको भी आशीर्वाद चाहिए और संत आसाराम की भी आशीर्वाद चाहिए। आप फिक्र मत करो, जो कुछ हो सकता है वो मैं करूंगा और आपके आशीर्वाद और ईश्वर के कृपा के कारण सब ठीक हो जाएगा।